मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी गवाही शेयर करने जा रहा हूँ, कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया और मेरे जीवन में काम किया, कैसे उन्होंने मेरे जीवन को बदला है। और मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि जब हम गवाहियाँ सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ेगा तो खुदा हमारे जीवन में भी कार्य करता है, हमारे भी छुटकारे होते हैं। तो प्लीज़ आप पूरा ज़रूर देखना। तो देखो, हम एक राजस्थान के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है, तो उसी में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखो, उन दिनों में जब खुदावंद यीशु मसीह का हमें पता चला, उन दिनों में हमारे पापा बहुत ही ज़्यादा सीरियस हालत में थे, बहुत ज़्यादा मतलब डेड कंडीशन में थे। और हम जगह जगह उनको लेकर जाते थे, जगह जगह, कहीं पर कोई इलाज नहीं हो रहा था, कहीं पर आराम नहीं हो रहा था, उनका पूरा शरीर मतलब एक प्रकार से डेड हो चुका था, मतलब शरीर के हर अंग में इतनी उनको बीमारियां थी। जहाँ पे हम लेके जाते, डॉक्टर जवाब देते थे कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं, आप इनकी सेवा करो, हम दवाई दे देंगे, बाकी आपका काम है, खुदा जाने जो करना है। उस वक्त हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो कहीं ना कहीं हम जम्मू काम करते थे उस दिनों में, ईंट भट्टों पे हम काम किया करते थे। आज से लगभग 2 साल पहले की भी बात नहीं है, लगभग 2 ही साल हुए हैं हमें मसीह में आए हुए, 2 भी नहीं हुए। तो उन दिनों में जब हम भट्टे पे काम कर रहे थे और पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन दिनों में हम जगह जगह लेकर जाते, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, तो कोई एक इंसान उस वक्त हमने कभी उसको नहीं देखा, तो वो हमारे भट्टे पे वहाँ पे आता है और पापा की हालत देखी, वो पास में बैठ गया और धीरे धीरे बातें वगैरह होने लग जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि आपने सब कुछ दिखाया होगा, सब कुछ करा होगा, तो जो रास्ता मैं आपको बताता हूँ आप एक बार विश्वास करके देखो, मेरा विश्वास है कि आप ठीक हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया हमें और हमने देखा, भाई संसार में सब कुछ करके देख लिया, हमें देखते हैं एक रास्ता ये बता रहे हैं तो इन पे विश्वास करके देखते हैं। तो वहाँ से उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि भाई यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए क्रूस पे मरे थे, अगर कोई उन पे विश्वास करेगा तो वो आपको चंगा करेंगे, आपके पापों को क्षमा करेंगे। तो हमने देखा भाई, देखो जैसे संसारिक लोग अब बोलते हैं, हम खुदा का वचन उन्हें सुनाते हैं, तो वैसे कहीं ना कहीं हमारी भी सोचते, लेकिन हमने देखा कि भाई सब कुछ करके देख लिया है, तो क्यों ना खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास करके देखा जाए। तो हमने विश्वास किया और शाम को हमने जो ताबीज वगैरह, जो धागे सब कुछ बांधे हुए थे, सब कुछ हमने खोल के खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रार्थना करी। और हम देखते हैं कि रात में खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में कर दिया। तो जो पापा बेड पे थे, डेड कंडीशन में थे बिल्कुल, उनको खुदा ने अपने पैरों पे खड़ा किया, वो चल पा रहे थे, वो घूम पा रहे थे। मैं देखता हूँ तो मेरा मतलब अभी भी खुशी मिलती है मुझे उस बात में। तो ये एक बड़ी गवाही है, ये बाद में दूंगा मैं पापा के, तो अभी मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। देखो, वहाँ से हमें खुदावंद यीशु मसीह का पता चला। उन दिनों में कहीं ना कहीं मैं भी बहुत परेशान था और कहीं ना कहीं मैं रात को बहुत डरा करता था, अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता था, और जब भी मैं रात को सोता था तो पता नहीं मुझे बहुत भयानक भयानक सपने आया करते थे। उन सपनों की वजह से मेरे को लगता था कि मैं रियल में उन सपनों में चला गया हूँ, और मैं चीखता चिल्लाता उठता दौड़ता भागता, घर में सब परेशान हो जाते हैं, और लगभग हर एक दो दिन से ये होता था, हर एक दो दिन से होता था। तो मेरी वजह से फैमिली में मैं बहुत मतलब पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी, और साथ ही मेरे एक पैर में जो लेफ्ट पैर है ना, उसमें मेरी एक नस ब्लॉकेज थी, तो उसकी वजह से मैं पूरी पूरी रात सोया नहीं करता था, मतलब पूरा दिन बहुत दर्द हुआ करता था क्योंकि नस ब्लॉकेज थी। तो उससे भी हम परेशान थे और जगह जगह हम जाते थे, जगह जगह देवी देवताओं के मंदिरों में, बहुत जगह देखे संसार में हर लोग जाते हैं, जो यीशु को नहीं जानते ना वो जाते हैं, तो हम भी जाया करते थे। जगह जगह हमने दवाई ली लेकिन कहीं पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, हम ज़्यादा दुखी होते जा रहे थे, ज़्यादा ही परेशान होते जा रहे थे। तो जब यीशु मसीह का हमें पता चला तो हमने प्रार्थना वगैरह करी और धीरे धीरे खुदावंद यीशु मसीह, हाँ जिस दिन मैंने प्रार्थना की उसी दिन से मेरे जीवन में जो अंधकार था, जो मैं डरता था, उठ उठ के भागता था रात को, उसी दिन से खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया। और मैं उसके बाद में आज तक लगभग 2 साल होने को आ गए, आज तक मैं कभी डरा नहीं। और उससे थोड़े दिन बाद में मैं देखता हूँ कि जैसे हम खुदा में थोड़ा वफादार होते हैं, हम जैसे खुदा को जानने लगे, यीशु मसीह को जानने
लगे तो मेरे पैर का दर्द भी अचानक से गायब हो गया। अचानक से मुझे मतलब किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मतलब कोई दास ने मेरे ऊपर हाथ ना रखा था, लेकिन हम प्रार्थना करवाते थे तो उन प्रार्थना के द्वारा मेरे पैर का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया था और आज तक वो दर्द नहीं हुआ है। तो ये मेरी जीवन की गवाही है। तो ऐसे खुदा ने मेरे जीवन में काम किया। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो, मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानते तो हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल था। हम कमाते थे, वो सारा बीमारियों में चला जाता था और कर्जे से हम इतना परेशान हो चुके थे। और हम किसी से मांगने के लिए जाते तो कोई हमें देता नहीं था, क्योंकि सबको पता था भाई इनके घर में ये कंडीशन है, इनके पापा डेथ होने वाले हैं, कुछ हो गया तो कब कहाँ से ये पैसे देंगे। लोगों की मतलब सोच हो जाती है ऐसी, जब कोई बीमार हो जाता है, जब गरीब लोग किसी पैसे वालों के पास जाते हैं तो उनकी सोच ऐसी हो जाती है। तो कोई हमारी मदद वगैरह नहीं करता था, कोई हेल्प नहीं करता था। तो हम भट्टों पे काम किया करते थे, ईंट भट्टे पे, और पूरे दिन काम करने के बाद में जब शाम को घर पे आते तो पूरी हालत ख़राब हो जाती, और ऊपर से पापा बीमार रहते और ऊपर से मेरी भी हालत ख़राब रहती। लेकिन कहीं ना कहीं पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में और भी बहुत काम किए हैं। मेरी बहन की गवाही मैं आपको बताऊँगा, मम्मी की गवाही मैं आपको बताऊँगा, छोटे भाई की गवाही, बहुत सी गवाहियाँ खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बनाई है। और सच में कहीं ना कहीं जो हम संसार में लिप्त थे और हम पूरे तरीके से हताश थे, यानी रास्ते टूटे हुए थे, कोई भी रास्ता नहीं था, जब उस वक्त खुदावंद हमें पकड़ते हैं, चुन लेते हैं। उसने कहा कि मैंने जगत में से तुम्हें चुन लिया है, चुना है खुदा ने, इसलिए खुदा हमारे जीवन में कार्य करते हैं। बस हम जो विश्वास नहीं कर पाते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमारी विश्वास की घटी के कारण हमारा छुटकारा नहीं हो पाता, तो हमें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह सबके जीवन में छुटकारा करते हैं, सबको गवाहियाँ बनाते हैं सबके जीवन में, हमारे जीवन में ये छुटकारे क्यों नहीं हो रहा। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो प्रभु यीशु मसीह सबका छुटकारा करना चाहते हैं सबका, लेकिन हमारे विश्वास की घटी की वजह से हमारे साथ ये नहीं हो पाता है। तो पूरा विश्वास, जब आप दृढ़ता के साथ खुदा के साथ वफादार होकर चलोगे, तो मेरा ये विश्वास है प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान का जीवन बदलते हैं, वो आपका भी बदलेंगे। और आपका जीवन क्यों ना बदलेंगे, क्योंकि वो सच में वो मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए, वो पूरे जगत के लिए क्रूस पे बलिदान हुए हैं। वो किसी एक इंसान के लिए नहीं हुए हैं, जो उन पर सच्चा विश्वास रखता है वो उनके जीवन में ज़रूर कार्य करते हैं। तो हमारा ऐसा है परमेश्वर, दयालु है वो, बहुत दयालु है। तो इस प्रकार खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ये कार्य किया, हमने खुदावंद यीशु मसीह को जाना, खुदा ने हमारे जीवन में कार्य करा, मेरे जीवन को बदला उन्होंने। और कहीं ना कहीं मैं पहले बहुत पाप में भी था। तो देखो, संसार में जब होते हैं तो हमें पता नहीं होता, संसार के हिसाब से हम चलने की कोशिश करते हैं, यार दोस्तों में रहते हैं तो उनके हिसाब से हम चलते हैं। तो उस चीज़ से भी खुदा ने मुझे आज़ाद किया है, उस पाप की ज़िंदगी से मुझे आज़ाद किया है। बहुत पाप था, ऐसे नशों वगैरह में नहीं था, मैं नशे वगैरह नहीं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो संसारिक पाप है, वो हमारा गंदा देखना, गंदा बोलना, गंदा उठना बैठना, दोस्तों के साथ रहना, तो एक गंदी सोच हो जाती है ना, तो वैसा पाप मेरी ज़िंदगी में था। तो उससे भी खुदा ने मुझे पूरे तरीके से आज़ाद किया, और मैं इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह का, जो उन्होंने हमारे पापों के लिए कोड़े खाए और अपने लहू को बहाया हमारे पापों के लिए। और आज कोई भी अगर उनको विश्वास से अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और उन पे विश्वास करता है कि यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, आपके लहू बहाने से मेरे सारे पाप क्षमा हुए हैं, तो मेरा विश्वास है खुदावंद आपके जीवन में भी ज़रूर कार्य करेंगे। अगर आज आप अपनी हालातों से जूझ रहे हो, आपकी परेशानियों से बहुत परेशान हो और आपको लग रहा है कि मेरा छुटकारा नहीं हो रहा, मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह हैं, वो आपका छुटकारा ज़रूर करेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु का मतलब हर अधिकार यीशु मसीह के पास है। वही हमें जीवन दे सकते हैं और मृत्यु भी वही दे सकते हैं। तो जीवन ही देते हैं वो अपने बेटे बेटियों जो उन पर विश्वास करता है। तो कहीं ना कहीं खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे जीवन में इन गवाहियों को बनाया। और साथ ही मैं एक गवाही और आपको देना चाहता हूँ। देखो, तब हम बहुत गरीब थे, बहुत हालत ख़राब थी हमें हमारी, लेकिन खुदा में अब हम बहुत स्टेबल हो पाए हैं और बहुत ही हम स्टेबल हो पाए हैं। और कहीं ना कहीं पहले मेरे काम नहीं बनते थे, वो काम भी अब बनना शुरू हो गए हैं। और अब खुदावंद मेरे जीवन को पूरे तरीके से बदल चुके हैं, पूरे तरीके से। और मेरा विश्वास है, अगर आपने ये गवाही सुनी है और आपके जीवन में भी मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी ज़रूर कार्य करेंगे, ज़रूर कार्य करेंगे। वो आपके जीवन में भी ऐसी गवाही बनाएंगे जिनको आपकी ज़रूरत है। और
उन गवाहियों के द्वारा लोग विश्वास करेंगे। इसलिए परमेश्वर में जब हम वफादार होकर चलते हैं, जब विश्वास करते हैं, तो खुदा हमें छुड़ाता है हर एक बंधन से, हर एक पाप से, हर एक बीमारी से। प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ही क्रूस में मरे हैं। जब हम इस बात को सही तरीके से समझ जाते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है, और विश्वास बढ़ेगा तो छुटकारे होंगे, मौजूदे होंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी गवाही थी, छोटी नहीं कहूँगा मैं इसको, बहुत बड़ी गवाही कहूँगा, क्योंकि ऐसा संसार में कोई नहीं कर सकता जैसा प्रभु यीशु मसीह करते हैं। सो मेरा विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस गवाही को सुन के आपका विश्वास बढ़ा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।